हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने सूखी चने दाल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए आपको एक टमाटर कटा हुआ, दो मीडियम साइज़ के प्याज लंबे साइज़ में कटे हुए, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, दो हरी मिर्च कटी हुई, रात को भिगोई हुई चने की दाल, दो टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा जीरा, राई और हींग थोड़ी सी, और मिक्स किया हुआ मसाला जिसमें हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला आदि। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले गैस को चला के कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम तेल डालते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद राई और जीरा डालते हैं। देखिए ये अब ये रेड रेड हो गया। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब हम लहसुन डालेंगे कटा हुआ, हरी मिर्च और प्याज, और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ी देर चलाएंगे। ओके, देखिए ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लग गए प्याज। अब इसके अंदर हम ये टमाटर डाल देंगे। इसको चलाते रहेंगे, लगे नहीं। ये मिक्स मसाला क्या, उसमें पानी डाल के इसको मिलाएंगे और इसमें डाल देंगे। अब इसको 10-5 मिनट के लिए ऐसे पकने देते हैं, ये तेल छोड़ने लग जाता है। देखिए ये इसमें ये पकने लग गया, स्मेल भी अच्छी आने लग गई। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा सा मीठा होने देंगे। फिर इसमें ये भिगी हुई दाल डाल देंगे। और इसको हम अब 10-15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। अब 15 मिनट बाद देखते हैं। देखिए अब इसको हम देखते हैं 15 मिनट बाद। देखिए एकदम पूरा पानी सोख लिया इसने। अब इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर डाल देते हैं। अमचूर से और अच्छा खटाई आ जाएगी इसमें और सब्जी टेस्टी बन जाएगी। ये देखिए इसको थोड़ा सा और 5 मिनट रख के रख देते हैं। अब एकदम नौकी सब्जी तैयार है। ये रुको, हमने सर्व करने के लिए तैयार कर ली। अब ये खाने के लिए तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और इसको रोटी और पराठे के साथ खाने के साथ। धन्यवाद।